नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने उदारवाद के कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास किया था। उसी क्रम को इस लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सीरीज़ है, जिसमें हम उदारवाद पार्ट टू अर्थात उसके द्वितीय भाग को समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। उदारवाद की अगर हम विचार यात्रा को देखें तो ये 17वीं शताब्दी में शुरू होती है, जो 17वीं शताब्दी से लगभग 1930 तक का समय है। 1930 ऐसा बिल्कुल बॉर्डर लाइन नहीं है, लेकिन 1930 का जो दशक है, इस उदारवाद को हम बोलते हैं क्लासिकल उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म। इसे शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, शास्त्रीय उदारवाद। क्लासिकल मतलब आप समझते हैं जो पुरानी चीज़ें, क्लासिकल गाने मतलब पुराने गाने। 1930 में उदारवाद में एक चेंज होता है, और ये जो क्लासिकल उदारवादी अभी तक मानते थे कि राज्य को कुछ नहीं करना है, व्यक्ति को जैसे रहना है रहने दीजिए, 1930 में उदारवादी ये कहते हैं कि अब राज्य को व्यक्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो राज्य ही खत्म हो जाएगा। अब उदारवादी ऐसा क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म से ये होता है कल्याणकारी उदारवाद या वेलफेयर लिबरलिज्म, कल्याणकारी उदारवाद। और उसके बाद फिर 1970 तक ऐसा होने लगता है कि कल्याणकारी उदारवाद का प्रभाव कम होने लगता है, और जो नया उदारवाद आता है उसको बोलते हैं नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म। ये जो नव उदारवाद है ये क्लासिकल लिबरलिज्म से मिलता जुलता है। शास्त्रीय उदारवाद पहला फेज है, जिसे 19वीं सदी का भी उदारवाद कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोकप्रिय या ज़्यादातर प्रचलित 19वीं सदी में हुआ। 19वीं सदी अगर आप समझें तो 1800 से लेके 1899 तक। इस सदी में क्योंकि ये औद्योगिकीकरण का युग था, ब्रिटेन या पश्चिमी यूरोप के देश, अमेरिका, ये सब औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे थे, और इन्होंने उदारवाद जो हमने पहले समझा कि ये पूंजीवाद का एक विचार है, औद्योगिकीकरण का विचार है, नए मिडिल क्लास का विचार है, तो इसीलिए शास्त्रीय उदारवाद को या क्लासिकल लिबरलिज्म को 19वीं सदी का उदारवाद भी कहते हैं। अब हम इसके अलग अलग पहलुओं को देखने का प्रयास करें। जैसे जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है, अब हम पहला इसका पढ़ रहे हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या क्या है, शास्त्रीय उदारवाद में क्या क्या चीज़ है। तो पहला अगर हम समझें कि व्यक्ति कैसा होगा, क्लासिकल या शास्त्रीय उदारवादी व्यक्ति को कैसा मानते हैं, तो वो इगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, सेल्फ इंटरेस्ट से काम करता है, और व्यक्ति का जो मूल उद्देश्य होता है वो अपना हित होता है। जैसे हमने समझा था कि इससे पहले समाज का अंग माना जाता है व्यक्ति को, माना जाता था, ये माना जाता था कि परिवार से, जाति से, धर्म से व्यक्ति का, गांव से व्यक्ति का अपना हित है। अब व्यक्ति जब बाहर निकलता है, मार्केट में आता है, तो वो अपने हित की बात करता है, और जो आपका समाज है वो इन्हीं व्यक्तियों का समूह है। मतलब समाज मुख्य नहीं है, समाज से बड़ा आपका व्यक्ति है। समाज में क्या है, जो ये स्वार्थी व्यक्ति हैं उन्हीं का समूह समाज है। मतलब समाज व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं, मतलब समाज से बड़ा व्यक्ति है। आगे अगर आप राज्य की बात करेंगे तो राज्य जो है उसको बोलते हैं मिनिमल स्टेट, मतलब न्यूनतम राज्य। इसमें हम उदाहरण देते हैं क्रिकेट के एम्पायर का। ये जो एम्पायर है इनका काम बाकी कुछ नहीं है। क्रिकेट के अंपायर ये नहीं बोलेंगे कि आपको धीमी गेंद फेंकना है, अंपायर ये नहीं बोलेंगे कि आपको तेज गेंद फेंकना है, अंपायर ये नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसे खेलना है, अंपायर आपको ये नहीं समझाएंगे कि लेफ्टी खेल लो, राइटी खेल लो, या बेट यहाँ रख लो। अंपायर बस ये देखेंगे कि आप नियम के हिसाब से खेल रहे हैं कि नहीं, और नियम के हिसाब से वो काम करेंगे। तो आपका जो राज्य है वो भी न्यूनतम राज्य है, वो बस ये देखेगा कि राज्य में सुरक्षा बनी रहे, चोरी डकैती ना हो और कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए बोला जाता है कि राज्य जो है, उदारवादी जो शास्त्रीय उदारवादी है वो मानते हैं कि राज्य एक नेसेसरी ईविल है, मतलब आवश्यक बुराई है। अब पहली चीज़ है कि बुराई क्यों है,
बुराई राज्य इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। हम लोग पहले ही समझे, जो निगेटिव लिबर्टी वाले जो मानते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, वो ये मानते हैं कि राज्य अगर आपके ऊपर हस्तक्षेप करेगा तो आपकी स्वतंत्रता कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन ज़रूरी क्यों है भाई, अगर बुराई है तो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले हम पढ़े कि इंसान तो स्वार्थी है ना, स्वार्थी है तो वो अपना हित देखेगा। जैसे मान लीजिए कोई उद्योगपति है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो तो अपना हित देखेगा ना, वो देखेगा कि मेरा फ़ायदा किस में है। उसका फ़ायदा मान लीजिए किसी बच्चे को काम में रखने में है, क्योंकि बच्चों को काम में रखने से मजदूरी कम देना पड़ता है, तो फिर वो तो बच्चों को काम में रखेगा, उससे दिक्कत है। तो इसीलिए राज्य की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है, तो वो देखने के लिए राज्य की ज़रूरत है। जो लॉक हैं, जॉन लॉक चिंतक, वो बोले राज्य ना नाइट वॉचमैन जैसा होना चाहिए। जैसे वॉचमैन होते हैं ना, आप सोसाइटी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, वॉचमैन का काम ये नहीं है, वो आके आपको ये नहीं बोलता कि आप सो जाओ, ये क्या कर रहे हैं, घर में ये क्या है, वो क्या है। वॉचमैन बस ये देखता है आपका जो गेट है वहाँ वो बैठे रहेगा, और वो देखेगा कि जो अधिकृत व्यक्ति है वही आए, कोई चोर डाकू ना आ पाए। बाकी आपके पर्सनल जीवन से वॉचमैन को कोई लेना देना नहीं है। वही चीज़ जो क्लासिकल उदारवादी हैं, शास्त्रीय उदारवादी हैं, वो बोलते हैं राज्य को भी यही करना है, उनको हमारे पर्सनल जीवन से कोई लेना देना नहीं। तो फिर बात आती है कि फिर राज्य करेगा क्या, काम क्या है उसका? तो ये बोलते हैं पहला काम है कि आप आंतरिक व्यवस्था को बना के रखो, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आप बना के रखो। दूसरा, समझौते का क्रियान्वयन करो, जो हम पढ़े थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सामाजिक समझौता हुआ, उसको राज्य को बना के रखना है, मतलब समझौता आपका राज्य को बनाना है। और तीसरा है कि बाहरी हमलों से राज्य रक्षा करेगा, मतलब राज्य ये देखेगा कि अगर कहीं हमला हो रहा है देश में तो रक्षा करेगा, तभी तो व्यापार हो पाएगा, उद्योग बढ़ पाएगा। तो राज्य यही तीन काम करेगा, इसके अलावा राज्य को और कुछ नहीं करना है। राज्य ये नहीं देखेगा कि तुमको शिक्षा दे दूँ, स्वास्थ्य दे दूँ, ये बीमार है, ये मर रहा है। जैसे उदाहरण अगर आपको समझना है, जैसे अभी कोविड का टाइम था, अगर ये रहते ना क्लासिकल उदारवादी, ये बोलते कि राज्य कुछ मत करे, बस देखे कि कोई हमला मत करे, समझौता चले और लॉ एंड ऑर्डर बने रहे, बाकी भाई जिसको मरना है मरे, जिसको जीना है जिए, हमको ना तो किसी को वैक्सीन लगाना है, ना तो किसी को खाना देना है, ना तो लॉकडाउन लगाना है, सब समझदार हैं, तो समझदारी से जिसको जो करना है करे, वैसे भी बहुत जनसंख्या है, कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये सोशल डार्विनिज्म को मानते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। डार्विन बोलते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो जिंदा रहेगा, ये भी वही मानते हैं कि भाई जो फिट है वो जिंदा रहेगा, बाकी वैसे भी जनसंख्या बहुत है। स्वतंत्रता ये मानते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता को, नकारात्मक हम अभी पढ़े कि नकारात्मक मतलब होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, कोई इंटरफेयर ना हो, और उसके ऊपर सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव हो। यहीं से हम सकारात्मक में जाएंगे जब हम कल्याणकारी उदारवाद पढ़ेंगे। समानता ये मानते हैं अवसर की समानता, मतलब सभी को अवसर की समानता, और कानून के सामने सब बराबर हो, मतलब जो कानून है आपका उसके सामने कोई व्यक्ति इसलिए बड़ा ना हो कि वो किसी उच्च कुल का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी रेस का है, कानून के सामने सब बराबर हों, ये क्लासिकल उदारवादी मानते हैं। न्याय वो मानते हैं कि मेरिटोक्रेसी हो, मेरिट के आधार पे सभी को बराबर अवसर मिले और उस आधार पे सब कंप्लीट करें, जो आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं बढ़ पाएगा वो पीछे रहेगा, वो सीधा सीधा है। सिविल सोसाइटी जो है वो, जैसे प्रेस हो गया आपका या ट्रेड यूनियन हो गए, ये बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। और मार्केट इकोनॉमी जो सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब ये मानते हैं कि जो बाजार है वो खुद से चलता है, मतलब बाजार के लिए किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चलता है, जो डिमांड और सप्लाई का कर्व है, इकोनॉमिक्स वाले जानते होंगे, उसके आधार पर वो चलता है, राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के आगे चल के जब मंदी आती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो लोग फिर बोलते हैं क्या हुआ, राज्य तो मतलब बाजार तो खुद से चल पाती है, अब कैसे बेरोजगारी आ गई, तभी फिर इसमें चेंज होता है। तो ये सिविल सोसाइटी को भी अच्छा मानते हैं, जो स्वतंत्रता को बढ़ाती है। शास्त्रीय उदारवादी मानते हैं आपके नेचुरल राइट को, प्राकृतिक अधिकारों को। आप सुन, प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो आपको मानव होने के नाते मिलते हैं, मतलब क्योंकि आप मानव हो
इसलिए आपको कुछ अधिकार मिले हैं क्योंकि आपका जन्म मानव के रूप में हुआ है। जेफरसन बोलते हैं कि ये इनएलिनेबल है, मतलब वो आपसे अलग नहीं किए जा सकते। लॉक इन्हीं अधिकारों तीन अधिकार मानते हैं, लाइफ मतलब जीवन का, लिबर्टी स्वतंत्रता का, और प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार। अमेरिकी क्रांति में भी जो नारा लगता है वो होता है लाइफ का, जीवन का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार, और परस्वीट ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुश होने का अधिकार। इसके अलावा जो क्लासिकल उदारवादी हैं वो उपयोगितावाद को भी मानते हैं। उपयोगितावाद का अर्थ होता है, इसमें होता है कि व्यक्ति क्या है। उपयोगितावाद में जो इसके जो चिंतक हैं वो है बेंथम, जिन्होंने इसे दिया, बाद में मिल इसको चेंज करते हैं। बेंथम ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिले, मतलब सुख मिले, और कम से कम दुख मिले, पेन मिले। और यही मतलब क्या है कि हर व्यक्ति स्वार्थी है, तभी तो चाहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले और कम से कम दुख मिले। तो ये उपयोगितावाद है। इसके अलावा ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं। इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब होता है आर्थिक रूप से उदारवाद। जो एडम स्मिथ हैं उनकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखते हैं, और वो बोलते हैं एक लेजर फेयर की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि बाजार को ना फ्री छोड़ देना चाहिए। बाजार मतलब अगर आपका ये राज्य है और ये आपका बाजार है, तो राज्य को बाजार के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाजार को अपने आप चलने देना चाहिए। बाजार के लिए सबसे अच्छा यही है कि राज्य उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप ना करे, फ्री मार्केट रहे। अगला इनका सिद्धांत है सोशल डार्विनिज्म का। सोशल डार्विनिज्म मतलब होता है वही डार्विन जो सिद्धांत दिए, एक चिंतक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, वो अपनी किताब लिखते हैं मैन वर्सेस स्टेट 1884 में। वो बोलते हैं भाई असमानता तो प्राकृतिक है, अनिवार्य है, मतलब असमानता तो होगी ही, ऐसा नहीं कि हर इंसान बराबर रहेगा। और बोलते हैं जो मेरिट में है, जो अच्छा काम करेगा वो ऊपर चल देगा, जो नहीं करेगा वो नीचे रहेगा, जो फिट है वो जिंदा रहेगा, जो नहीं है वो नीचे रहेगा, झुग्गी झोपड़ी में रहेगा। मतलब आप असमानता को ख़त्म नहीं कर सकते। समनर एक इसी से मिलता जुलता बात बोलते हैं कि ड्रंकार्ड इन द गटर इज जस्ट वेयर ही ऑट टू बी, मतलब जो शराबी है वो गटर में ही रहेगा और वहीं वही उसका जगह है। तो ये आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है या शास्त्रीय उदारवाद। अब इससे चेंज होके हम आते हैं आधुनिक उदारवाद में, जिसको बोलते हैं सकारात्मक उदारवाद, कल्याणकारी उदारवाद, आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद जैसे हमने समझा कि 1930 के आसपास आता है। अब हमको ये समझना है कि उदारवाद आया क्यों। इसीलिए आया होगा ना क्योंकि पारंपरिक उदारवाद की कोई कमियां रही होंगी। इसमें दिक्कत ये हुई कि ये इंसान को, ये बोलता है कि राज्य को इंसान के लिए कुछ नहीं करना है। अब स्थिति ये हुई कि मान लीजिए एक उद्योग है, उद्योग में कुछ लोग के पास तो पूरी पूंजी आ गई और बाकी जो मजदूर थे वो गरीब हो गए। जो मजदूर थे उनकी जो स्थिति है वो जानवरों से बदतर हो गई। मतलब मजदूरों को 16-16 घंटे काम कराते थे, सप्ताह में हर दिन काम कराते थे। उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है बोलते हैं वो 30-29 हो गई, मतलब 28-29 साल जीते थे मर जाते थे। और इनका जो सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत था वो यही था कि तुम काम करो मर जाओ, दूसरे आएंगे। तो मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो गई, बीमारी बढ़ गई, बेगारी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, मतलब समाज में असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी समय एक और चिंतक आए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोले कि दुनिया में दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक होते हैं जिनके पास खूब पैसा है, जो हैव्स हैं, जिनके पास पैसा है उसको वो बोले बुर्जुआ वर्ग, और दूसरा वर्ग है जिसको बोले वो सर्वहारा वर्ग, बोले जिसके पास पैसा नहीं है। मतलब कार्ल मार्क्स बोले कि दुनिया में दो वर्ग हैं, एक अमीर है जिसको वो बुर्जुआ बोले ये दुनिया का 1% है लेकिन इसके पास 99% पैसा है, और दूसरा सर्वहारा वर्ग है वो बोले ये दुनिया का 99% है लेकिन इनके पास 1% पैसा और संपत्ति। वो इन सर्वहारा वर्ग को बोले कि तुम्हारे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है, जानवरों जैसे रहते हो, तो एक हो दुनिया के मजदूरों और ये बुर्जुआ लोग को मार डालो। जब इनको मार डालोगे तो इनकी 99% संपत्ति तुमको मिल जाएगी, समाज में समानता आ जाएगी। इससे अब कोई भी डरेगा कि भाई ये सर्वहारा के हमको न मार दे। तो एक कारण तो ये था।
दूसरा कारण अगर आपको समझना है तो जो औद्योगिकीकरण है उसके नकारात्मक प्रभाव थे। औद्योगिकीकरण से उत्पादन तो बढ़ा लेकिन इससे गरीबी भी बढ़ी, जो मैं बताया कि जो मजदूर हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे, असमानता बढ़ी, स्लम जो आपकी झुग्गी झोपड़ी है, अज्ञानता बढ़ी, शिक्षा नहीं हो रही, बीमारी बढ़ने लगी, कार्य स्थिति सही नहीं थी, शोषण होने लगा, तो ये सब हुआ। तो इसको सुधारना जरूरी था, और अगर नहीं सुधारेंगे तो मार्क्सवाद आ ही गया था, बोला कि भाई तुम एक हो, इनको इन्हीं को मार डालो। तो ऐसे ये तो पहले भी बढ़ता, लेकिन इनको डर भी हो गया कि अगर हम नहीं सुधारेंगे तो फिर हम ही नहीं रहेंगे। दूसरा कारण था 1930 की आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी में क्या हुआ कि उत्पादन तो हो रहा था लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहा कि वो सामान खरीद सकें, और लोगों को पैसा देने के लिए अभी तक राज्य का कॉन्सेप्ट क्या था, मिनिमल स्टेट, मतलब राज्य कुछ नहीं करेगा। अब भाई राज्य अगर इंटरफेयर करेगा ही नहीं तो फिर अब लोगों को राज्य बोल रहा है कि हम पैसा ही नहीं देंगे। अब समझ लीजिए दो वर्ग हैं, एक खूब उत्पादन कर रहा है, खूब पैसा छाप रहा है, दूसरा है गरीब है, मजदूर है। अब उत्पादन जब खरीदा जाएगा तभी तो अर्थव्यवस्था चलेगी ना। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वो कपड़ा बना रही, अब कपड़ा अगर मजदूरों के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो कपड़ा खरीद सकें तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो इसी को मंदी बोलते हैं। और राज्य अगर अब यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा तो फिर तो दिक्कत होगी। इससे पहले ये क्या बोलते थे एडम स्मिथ लोग कि बाजार को चलने दो, बाजार जैसी वैसे चलने दो, लेकिन अब कहा गया कि नहीं, राज्य को इंटरफेयर करना पड़ेगा, राज्य को पैसा बांटना पड़ेगा लोगों को। वही एक चिंतक आए, एक थिंकर आए जिनका नाम था कीन्स। कीन्स बोले कि भले आप लोगों को गड्ढा खुदवाओ फिर उसको पटवाओ और पैसा दो, जिससे बाजार में पैसा आएगा और फिर वो सामान खरीदेंगे। तो अब ये सब काम राज्य ही करेगा ना। तो ये जो मिनिमल स्टेट जो आपके क्लासिकल लिबरलिज्म वाले बोलते हैं, शास्त्रीय उदारवादी वाले बोलते हैं कि राज्य कुछ नहीं करेगा, अब राज्य को तो करना पड़ेगा, राज्य को लोगों के लिए ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो आधुनिक उदारवाद है या कल्याणकारी उदारवाद है वो आया कि लोगों का अगर आप कल्याण करोगे, लोगों का कल्याण करोगे तो पहली चीज़ वो क्रांति नहीं करेंगे, न तो क्रांति ही कर देंगे। दूसरी चीज़ उनके अंदर कल्याण करोगे आप, उनको शिक्षा दोगे तो उनके पास पैसा आएगा, उनका जीवन स्तर सुधारोगे पैसा आएगा, तभी तो सामान खरीदेंगे, तभी तो अर्थव्यवस्था चलेगी। तो एक कारण ये था। तीसरा कारण क्या था आपको अगर समझना है तो उस समय क्या है, चुनाव चालू हो गया था। चुनाव में वोटर तो यही है ना। अब आप ही देखते होंगे कि वोट चुनाव आता है तो लोगों को बांटने लगते हैं। अब आप इनका ध्यान नहीं दोगे तो ये वोट क्यों देंगे आपको। पहले वोट, अब मान लीजिए गरीब वोट ही नहीं देगा तो उसका कोई ध्यान क्यों देगा। तो एक कारण चुनाव भी था कि भाई वोट लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आप इनका सिद्धांत समझेंगे तो पहला जो इंडिविजुअलिटी है वो अभी तक सिद्धांतकार क्या मानते थे कि मानव स्वार्थी है, अब ये मानने लगे कि मानव नैतिक है, वो केवल सुख के लिए काम नहीं करता बल्कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, मतलब अपना खुद का विकास भी करना चाहता है। इसमें एक चिंतक आए जिनका हम पहले भी पढ़े, वो हैं जेस मिल। इनको कहा जाता है कि ये ब्रिज हैं क्लासिकल शास्त्रीय और आधुनिक उदारवाद के बीच में, शास्त्रीय और आधुनिक उदारवाद के बीच के ये ब्रिज हैं। इनको हार्ट ऑफ लिबरलिज्म भी बोलते हैं, मतलब ये उदारवाद के दिल हैं। ये बोले कि जो बेंथम उपयोगितावाद बोला, जिसमें बोला कि इंसान अपना सुख चाहता है, दुख कम करना चाहता है, वो बोले कि भाई असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है। वो बोले एक सुअर है जो कीचड़ में लोटा है और उससे पूछोगे तो बोलेगा मैं सुखी हूँ। एक शराबी है, वो शराब पी के सड़क में पड़ा है, उससे पूछोगे बोलेगा सुखी है, तो भाई वो सुखी थोड़ी है। तो मिल वही बोले कि सुख वो है कि आप कहाँ से देख रहे हैं किसी चीज़ को। अब सुअर को आप बोल रहे हैं कि वो सुखी है तो गलत बात है ना। उससे ज़्यादा अच्छा तो एक विद्वान व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं सुखी नहीं हूँ। अगली चीज़ ये बात की पॉजिटिव फ्रीडम की। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें ये बोले कि राज्य का जो हस्तक्षेप है वो आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाता है, हमेशा राज्य का हस्तक्षेप आपकी स्वतंत्रता को कम नहीं करता। जैसे एक उदाहरण जनरली हम लोग क्लास में भी समझते हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, अब वो आपको सुबह उठा रहे हैं कि सुबह उठ जाओ,
जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये बोलती है कि भाई मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा मन उठने का, नहीं मन नहीं उठने का, मैं नहीं उठूंगा, तुम्हारे बोलने से मेरी स्वतंत्रता कम होती है, सीमित होती है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि उनके हस्तक्षेप से, मतलब वो आपको हस्तक्षेप किए कि उठ जाओ, आप उठे तो आपका भला हुआ ना, आप उठ के काम किए, आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ। तो जरूरी नहीं कि हर हस्तक्षेप से आपकी स्वतंत्रता कम हो, कई हस्तक्षेप से आपकी स्वतंत्रता बढ़ती है, और वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता कम होगी। जैसे हम लोग पुल वाला भी उदाहरण लिए कि कोई पुल से जा रहा है, पुल टूटा है, अगर यहाँ खड़ा व्यक्ति आपको बता दिया, हस्तक्षेप किया कि आगे पुल टूटा है, तो उससे आपकी स्वतंत्रता बढ़ी ना हस्तक्षेप से। तो यही वही बोलते हैं सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी उदारवादी कि राज्य के हस्तक्षेप से आपकी स्वतंत्रता बढ़ेगी, राज्य आपको शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, रोजगार देगा, खाना देगा, पीना देगा, पीना मतलब पानी देगा, तो उससे आपकी स्वतंत्रता बढ़ेगी ना। मतलब गरीबों के लिए जब राज्य काम करेगा तो वो उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाएगा। यही जो हम लोग बोल रहे थे कि फिर नहीं तो क्या होता है, अगर सब फायदे के लिए होगा तो जो बिजनेसमैन है वो बच्चों से मजदूरी कराएगा, वो तो शोषण है ना बच्चों का, लेकिन आप अपना सुख देखेंगे, फायदा देखेंगे, जो पुराने उदारवादियों का काम है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। एक चिंतक हैं जिनको सकारात्मक उदारवाद के मुख्य चिंतक माना जाता है, उनका नाम है TH ग्रीन। वो बोलते हैं ह्यूमन कॉन्सियसनेस पास्टुलेट्स लिबर्टी, मतलब मानव का जो कॉन्सियसनेस है वो स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है, और अधिकार राज्य चाहता है, मतलब अधिकार राज्य में ही आ सकता है। तो आप ये समझिए कि जो आपका मानवीय स्वभाव है, मानवीय कॉन्सियसनेस है, उसके लिए स्वतंत्रता जरूरी है, और स्वतंत्रता के लिए राज्य जरूरी है। मतलब ये सीधा सीधा ये बोले कि अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको राज्य भी चाहिए, मतलब राज्य जरूरी है, राज्य स्वतंत्रता को बढ़ाने वाला है, कम करने वाला नहीं है। जैसे सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे मान लीजिए सती प्रथा थी भारत में, या अस्पृश्यता थी, छुआछूत था, अब राज्य इन बुराइयों को खत्म किया, इससे आपकी स्वतंत्रता कम थोड़ी हुई। अगर आप समझेंगे सती प्रथा खत्म हुई, अस्पृश्यता खत्म हुई, इससे आपकी स्वतंत्रता बढ़ी ना, मतलब राज्य के हस्तक्षेप से आपका नुकसान नहीं हुआ ना, आपका फायदा हुआ। तो सकारात्मक उदारवादी वही बोलते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप हमेशा आपकी स्वतंत्रता को कम नहीं करेगा, वो आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाएगा। मतलब सकारात्मक उदारवाद क्या है, न्यूनतम राज्य से कल्याणकारी राज्य की ओर जाने का एक कदम है, जिसको सामाजिक उदारवाद भी बोलते हैं। वही जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्यों जरूरी था वो। पहला तो एक समाजवाद का कॉन्सेप्ट आ गया, मार्क्सवाद आ गया कि भाई क्रांति हो जाएगी इसलिए कर लो। दूसरा, लोगों को गरीबी बेगारी से लोग मर रहे थे, जैसे आप यहाँ देखेंगे UK में एक बेवरेज रिपोर्ट आई 1942 में, वो बोले कि 5 राक्षस हैं, ये आप ध्यान भी रखिएगा, एग्ज़ाम में आता भी है। एक है वांट, एक है डिजीज, वांट मतलब आपकी जो चाह है, दूसरी है डिजीज बीमारी, इग्नोरेंस अज्ञान, आइडलनेस, इडलेनेस मतलब आलस्य, और स्क्वेलर मतलब गंदगी। ये यूके में 5 राक्षस हैं जिनसे हमको बचना पड़ेगा। ऐसा मतलब पूरे पश्चिमी यूरोप में अगर केवल आप उद्योगपतियों का फायदा करोगे तो गरीबी तो बढ़ेगी ही, बीमारी तो बढ़ेगी ही। अब उसको ठीक करना था, पहला कारण मार्क्सवाद था कि भाई ठीक नहीं करेंगे तो क्रांति करके हम ही को मार देंगे। दूसरा, सरकार को ना हेल्दी वर्कफोर्स की ज़रूरत थी। अब मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति है, तो फिर देश थोड़ी बढ़ पाएगा। आप अगर राज्य के स्तर से बात करो, वो तो चाहेगा ना कि अच्छे मजदूर मिलें, अच्छे कामगार मिलें, इसलिए भी आप उनके लिए काम करोगे। आपको उस समय युद्ध का टाइम था, तो जो सेना थी वो भी स्ट्रांग चाहिए थी, इसलिए भी आप इनके लिए काम करोगे। एक और बड़ा कारण जो हम लोग पहले चर्चा किए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आपको चुनाव में वोट चाहिए, कुछ काम करोगे तभी तो वोट मिलेगा। इसलिए अमेरिका में जैसे कैनेडी इसी के लिए लाए न्यू फ्रंटियर पॉलिसी, ये भी गरीबों के भले के लिए था। लिंडन जॉनसन लाए ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम, मतलब समाज को अच्छा बनाने के लिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है।
आपको राइट टू एजुकेशन मिला, हेल्थ मिला, वर्क मिला, अच्छा घर मिला, मतलब रोटी कपड़ा मकान ये सब सरकार देने लगी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात आई, पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि राज्य बाजार में कोई हस्तक्षेप ना करे, बाजार खुद से काम कर लेगी, एक ऐसा कर्व बनता है, ऐसा सप्लाई बनता है, डिमांड बनता है, इसके आधार पे काम होगा, राज्य कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब 1929 की मंदी आई, विश्व युद्ध हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी खूब बढ़ गई, तो फिर आया कि राज्य को अब हस्तक्षेप करना पड़ेगा। पहले क्या था, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बोलते थे कि सबका सॉल्यूशन मार्केट है। एडम स्मिथ बोलते थे इनविजिबल हैंड है, दिखता नहीं है। केन्स बोला कि डिमांड बढ़ाने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सप्लाई तो है, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे, तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये हस्तक्षेप ही सकारात्मक उदारवाद है। अगर इस चार्ट के माध्यम से हम समझें तो अगर आप उदारवाद को देखेंगे तो जो क्लासिकल उदारवाद है, क्लासिकल उदारवाद में इकोनॉमिकल लिबरलिज्म की बात है, जबकि मॉडर्न उदारवाद ये क्लासिकल मतलब ये शास्त्रीय है और ये आपका कल्याणकारी है। इसमें सामाजिक लिबरलिज्म, सामाजिक उदारवाद की बात है, इसमें जो आपका इंसान है इंडिविजुअल वो इगोइस्टिक है, स्वार्थी है, लेकिन इसमें डेवलपमेंटल है, मतलब वो अपना खुद विकास करना चाहता है। यहाँ यूटिलिटी की बात है, मैक्सिमाइज बेंथम, कि हम अपना सुख ज़्यादा करना चाहते हैं, दुख कम करना चाहते हैं, यहाँ वो अपना पर्सनल ग्रोथ करना चाहता है। यहाँ आपकी निगेटिव फ्रीडम है, जबकि यहाँ आपकी पॉजिटिव फ्रीडम है, मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता। शास्त्रीय उदारवाद में राज्य जो है मिनिमल है, वो कुछ नहीं करेगा, जबकि मिनिमल मतलब पढ़े थे हम लोग कि राज्य कुछ नहीं करेगा, जबकि सकारात्मक उदारवाद में क्या है, इनेबलिंग स्टेट, राज्य आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब देके आगे बढ़ाएगा। यहाँ क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जबकि यहाँ मैनेज्ड इकोनॉमी है, मतलब राज्य बाजार में हस्तक्षेप करेगा। यहाँ राइट बेस्ड जस्टिस है, मतलब आपके अधिकार, जैसे स्वतंत्र न्याय में हम पढ़े कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, आपके ये अधिकार हैं वो अधिकार हैं, जबकि यहाँ आपका रॉल्स आ जाता है जो बोलता है कि जस्टिस इज फेयरनेस, मतलब न्याय दिखना भी चाहिए, फेयर होना चाहिए। यहाँ स्ट्रिक्ट मेरिटोक्रेसी, मतलब केवल मेरिट, आप जो गरीब हैं गरीब रहो मर जाओ, जबकि यहाँ गरीबों की कंसर्न है। यहाँ व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों ने देखा था कि जो शास्त्रीय उदारवाद है वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करता है, जबकि कल्याणकारी उदारवाद सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करता है। यहाँ सेफ्टी नेट वेलफेयर है, जबकि यहाँ क्रेडल टू ग्रेव, सेफ्टी नेट मतलब कि जो बिल्कुल ज़रूरी है वही करेगा राज्य, क्रेडल टू ग्रेव मतलब आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक, आपके कब्र तक राज्य आपके लिए काम करेगा। ये है आपका कल्याणकारी उदारवाद। लेकिन कल्याणकारी उदारवाद में भी कुछ कमियां थी, तभी तो नया उदारवाद आया जिसको हम बोलते हैं नव उदारवाद, इसको नियो लिबरलिज्म बोलते हैं। ये करीब 1970 के दशक से आया, इसको बोलते हैं अपडेटेड वर्जन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, मतलब जो क्लासिकल जो शुरू का उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद था, उसका अपडेटेड वर्जन है। जैसे फ़ोन में हम लोग अपडेट कर लेते हैं ना, वैसे है। मतलब अपडेटेड है, मतलब लेजर्स फेयर स्टेट मिनिमल स्टेट, इसका रिवाइवल है। फिर से ये बात करता है कि मार्केट सब कुछ होगा, स्टेट मिनिमल होगा, मार्केट, बल्कि वो तो बाजार की बात ना क्लासिकल लिबरलिज्म से, शास्त्रीय उदारवाद से भी ज़्यादा अच्छे से करता है। वो बोलता है, इसको बोलते हैं मार्केट फंडामेंटलिज्म, मतलब बाजार ही सब कुछ है, बाजार आपका सब कुछ है। और बाजार, अगर उस समय जैसे हम लोग चित्र बनाए थे, तो बाजार जो है राज्य से ऊपर है या सरकार से ऊपर है। अगर आपसे बोले कि बाजार बड़ा है कि राज्य बड़ा है, तो आप बोलोगे बाजार बड़ा है। बाजार आपके जीवन के सभी पहलुओं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सभी पहलुओं पे बाजार के सिद्धांत ही लागू होंगे। अगर नव उदारवाद को एक शब्द में आपको समझना है, तो आप बोलोगे बाजार। आप लोग वो मीम देखे होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि कभी कभी लगता है आप उन्हीं भगवान हैं, तो ये नव उदारवाद में ये जो है वो बाजार है, बाजार को लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं।
बाजार को लग बोलता है कि जब इतना ज़्यादा आपको शक्ति मिलेगी तो आपको लगेगा ना कि मैं ही भगवान हूँ, तो यहाँ बाजार को लग रहा है कि मैं भगवान हूँ। और इसकी जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि इकोनॉमी तब बेस्ट काम करती जब इसको आप एलोन छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मतलब सरकार आपके ऊपर कोई हस्तक्षेप ना करे, इकोनॉमी का जो मन होगा वो करेगा, तभी आप सही तरीके से काम हो सकता है। इसका जो भरोसा है वो है फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था, एटोमिस्टिक इंडिविजुअल में। एटोमिस्टिक इंडिविजुअल मतलब होता है ऐसा इंसान जो केवल अपने बारे में, स्वार्थी जो हम लोग शब्द पढ़े, स्वार्थी इंसान में। और ये बोलता है कि मार्केट अच्छा है, राज्य बुरा है। मार्केट बड़ा है, राज्य छोटा है, मतलब बाजार सब कुछ है, बाजार ही भगवान है। ये है आपका नियो लिबरल थिंकिंग। वो बोलता है बाजार ही फेयरनेस देता है, बाजार ही न्याय देता है, बाजार ही सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने टैलेंट और हार्डवर्क के हिसाब से आगे बढ़ सकें या नीचे गिर सकें। भाई आप आगे भी बढ़ोगे अगर आपके पास टैलेंट और हार्डवर्क है, अगर नहीं है तो नीचे गिर जाओगे। तो ये नियो लिबरल थिंकिंग है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 1970 के दशक में ये यूके में आया, मार्गरेट थेचर वहाँ की पीएम थी, इसीलिए इसको थेचरिज्म भी बोलते हैं, थेचरवाद। 80 के दशक में यूएसए में आए, जिनको लाने वाले थे वहाँ के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, इसलिए इसे को रीगनिज्म भी बोलते हैं। नव उदारवाद को अच्छे से समझने के लिए इसके जो कुछ थिंकर हैं वो अगर हम समझेंगे तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे इसके मुख्य जो थिंकर हैं उनका नाम है फ्रेडरिक हेयक। हेयक ये बोलते हैं, उनकी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का संविधान। वो सेंट्रल प्लानिंग जो भारत में भी थी ना कि राज्य प्लान करेगा, उसकी आलोचना की और बोले कि भाई सब कुछ बाजार को करने दो, मतलब मार्केट का एलोकेशन बेस्ट है, जो बाजार कर रहा है वो सबसे अच्छा है। दूसरी चीज़ वो बोले कि राज्य क्या करना चाह रहा है, सामाजिक न्याय लाना चाह रहा है, जबकि सामाजिक न्याय जो है वो मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका है, वो आ ही नहीं सकती, वो कभी नहीं आ सकती। इसके अलावा बोले कि दुनिया में क्या है कि कोई गरीब है ना, तो वो बोलता है कि गरीबी का जिम्मेदारी अमीर लोग हैं, सब मेरा पैसा खा लिए। मार्क्स भी वही बोला, वो बोले कि गरीबी आपका बेड लक है, गरीबी आपका खराब भाग्य है, इसके लिए अमीर कोई जवाबदेह नहीं है, सब कुछ बाजार करेगी। बोले कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाजार एक नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारे शरीर में पूरा, आप देखेंगे वैसा है बाजार, बाजार सब कंट्रोल कर लेगा और उसी से आपकी लिबर्टी होगी। मतलब राज्य कुछ ना करे, बाजार को एलोकेट करने दे, जिसको जो ज़रूरत है सब बाजार करेगा। ये है एक अपनी बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। दूसरे थिंकर हैं रॉबर्ट नाजिक, इनकी किताब का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। रॉबर्ट नाजिक बोलते हैं कि जो मिनिमल स्टेट है, जो हम लोग न्यू शास्त्रीय उदारवाद में भी पढ़ते हैं, मिनिमल मतलब न्यूनतम राज्य, न्यूनतम राज्य मतलब जो कुछ नहीं करेगा, केवल वो आपकी रक्षा करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा और ऑर्डर मेंटेन करेगा, वो इंस्पायरिंग है और राइट है। क्यों इंस्पायरिंग है? क्योंकि मिनिमल स्टेट में जो हार्डवर्क कर रहा है उसको हार्डवर्क करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि वो काम करेगा, काम करने के बाद आपको उसका फल मिलेगा। ये बोलता है कि जो नाइट वॉचमैन हम देखें, जिसमें राज्य केवल आपकी रक्षा करेगा, वो बोलेगा वही होना चाहिए राज्य, नाइट वॉचमैन राज्य। वो तो बोलता है भाई ये जो सिक्योरिटी है ना, पुलिस वुलिस जो राज्य करता है, वो भी प्राइवेट को दे दो, इसमें भी राज्य की कोई ज़रूरत नहीं, प्राइवेट लोग करेंगे सिक्योरिटी। तो रॉबर्ट नाजिक तो यहाँ तक चल देता है, वो बोलता है कि राज्य की हमको ज़रूरत ही नहीं है। अगला चिंतक जो है उसका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन, उनकी किताब का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। वो बोले कि फ्रीडम के लिए कैपिटलिज्म और मार्केट जरूरी है। मतलब देखिए दो चीज़ है, पहली चीज़ है कि आपका जो राज्य है, ये बोलते हैं वो आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडमैन बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है और मार्केट है वो आपको आज़ादी देता है। मतलब ये जो फ्रीडम है आपकी वो पूंजीवाद से आती है, वो बाजार से आती है। मतलब अगर आपको आज़ादी चाहिए तो उसके लिए पूंजीवाद ज़रूरी है, बिना पूंजीवाद के, बिना बाजार के
आपको आज़ादी मिलना असंभव है। मतलब कैपिटलिज्म पहले आया फिर आज़ादी आई, अगर अलग शब्दों में समझें कि कैपिटलिज्म या बाज़ार सबसे ज़रूरी है। आपको पहले बाज़ार व्यवस्था लाइए, पूंजीवाद लाइए, उसी में आपको फ्रीडम मिलेगी। वो उदाहरण देते हैं जैसे रूस है, जहाँ पूंजीवाद नहीं है, बाज़ार नहीं है, तो वहाँ लोगों को कोई आज़ादी नहीं है। चीन में कोई आज़ादी नहीं, वहीं आज़ादी जहाँ कैपिटलिज्म है, जहाँ पूंजीवाद है, जहाँ बाज़ार व्यवस्था है। आइजिया बर्लिन जो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, वो बोलते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है और वो निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। एक और चिंतक है जिनका नाम है मूरे रोथबर्ड, वो कंपेयर करते हैं जो आपका राज्य है, राज्य में क्या होते हैं आपके नेता होते हैं, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो बोलते हैं ये चोरों का लुटेर, मतलब चोरों का एक गैंग है, ऐसा उनका कहना है। और जो सेंट्रल बैंक है आपकी, वो एक लेजिस्लेटिव फ्रॉड है, मतलब वो भी एक फ्रॉड है। मतलब वो कई लोग रहते हैं ना हर चीज़ की आलोचना करते हैं, वैसे ये भी हैं, वो बोले कि ये सब चोरी करते हैं हमारे साथ। तो ये हो गया आपका नियो लिबरल, मतलब ये बोलते हैं कि जो राज्य है, राज्य जो सब कुछ करने लगा है। जैसे आपको एक उदाहरण मैं दूं कि नियो लिबरल ना राज्य के काम को कम करने की बात करते हैं। जैसे अगर आप भारत का देखेंगे, भारत में पहले क्या था, राज्य सब कुछ बनाता था, सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, हथियार तक। एक कंपनी जैसे आपकी BSNL, वो आपका मोबाइल नेटवर्क देती है। न्यू लिबरल बोलते हैं कि जो काम प्राइवेट कर सकते हैं ना, वो आप राज्य को मत दीजिए। जैसे प्राइवेट लोग क्या कर सकते हैं, आपकी जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, ये एक सिम है ना, और बोले इनके बीच में आपस में कंपटीशन होने दीजिए। इससे क्या है, लोगों को जो कस्टमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक ही कंपनी होती BSNL, वो जो रेट देती उसमें आपको लेना पड़ता, 1 GB डाटा का 250 देना पड़ता। अब ये इतनी सारी कंपनियाँ आई, वो महीने भर में 250 में दे देती हैं, मैं रोज का 1 GB 2 GB दे देती हैं, और आपस में कंपटीशन है। मान लीजिए जियो अपना रेट बढ़ाएगा तो एयरटेल में लोग पोर्ट करा लेंगे। तो वो बोलते हैं राज्य वही काम करे जो राज्य के लिए ज़रूरी है, जो और कोई नहीं कर सकता, बाकी चीज़ प्राइवेट को दे देना चाहिए और बाज़ार के हिसाब से चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी थी एयरसेल थी, वो नहीं सही चल पाई, ख़त्म हो गई, जो चलेगी वो रहेगी। ये है नियो लिबरल थिंकिंग, मतलब बाजार से चलने दीजिए। राज्य को ये नहीं बोलना है कि मैं हूँ तो मैं ही बस रहूँगा। राज्य भी अगर बाजार के हिसाब से नहीं रह पाता, अभी आप लोग जो सुनने वाले हैं, हो सकता है बहुत कम के पास BSNL की सिम हो, क्योंकि बाजार में BSNL नहीं टिक पाया। आज से 10 साल पहले सबके पास BSNL थी। तो बाजार में जो टिकेगा वो चलेगा, ये नियो लिबरल बोलते हैं। बोलते हैं राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, बाजार का काम करने दीजिए। तो ये थी आपके जो उदारवाद में 3 भाग हम जो पढ़े थे। पहला शास्त्रीय उदारवाद, दूसरा कल्याणकारी उदारवाद और तीसरा नव उदारवाद। तीनों को हम पढ़े। इसके अलावा और चिंतक हैं जो उदारवाद को और सुधारते हैं, जैसे अमर्त सेन हैं, जॉन रॉल्स हैं, तो वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि अब उदारवाद के जो फैक्ट हैं उनको एक साथ लाएं, जिससे आप अच्छे से उनको समझ सकें, और अगली जो बाकी विचारधाराएं हैं, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, फासीवाद, नाजीवाद, उनको भी एक एक करके हम पढ़ेंगे। आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका थैंक्स। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी से उत्साह मिलता है, टाइम कम रहता है, बनाने का मन करता है, और कोई लाइक मिल जाता है ना, 1-2 लाइक भी, तो और मन करता है कि अच्छा लोग देख रहे हैं तो बनाते हैं। फिर से आपका खूब सारा धन्यवाद।